नमस्ते, सदाबत्सल मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक विषय, एक गंभीर विषय लंबे समय से है, और वो विषय हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था है कि सदन के अंदर, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, सदन के अंदर जो कार्रवाई चलेगी, सदन के अंदर जो वोट दिया जाएगा, सदन के अंदर कोई बात कही जाएगी, वो न्यायालय नहीं लाई जा सकती, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये भी व्यवस्था है कि सदन के अंदर न्यायालय के किसी निर्णय को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। अगर आपको पलटना है तो आप पलट दीजिए, जजेस के ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी, न्यायालय के कृत्य के ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी, न्यायालय की व्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं होगी। ये दोनों व्यवस्थाएं हैं, यानी कि उनकी चर्चा यहाँ नहीं होगी और यहाँ पर जो किया गया है वो वहाँ डिस्कशन नहीं होगा, यानी कि कोर्ट में वो चैलेंज नहीं होगा। कोर्ट में अगर कुछ चैलेंज होगा तो वो सभापति का निर्णय, सभापति ने अगर कोई निर्णय ले लिया है तो वो निर्णय चूंकि क्वासी जुडिशियल हो जाता है, क्वासी जुडिशियल हो जाता है तो जुडिशियल बॉडी के संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट आता है। इसलिए अगर सदन में कोई निर्णय ले लिया गया है जो कि प्रोसीजरल मैकेनिज्म है तो फिर उस पर अपील जाती है, लेकिन अगर वहाँ कोई चर्चा हो रही है, कोई बिल पास हो रहा है, कोई बिल के दौरान कोई बात कही जा रही है तो फिर वो कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर आता है। अब एक सवाल इसमें बड़ा आ गया है, वो आपको याद होगा लखूभाई पाठक केस कभी चल रहा था, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला केस आपको याद होगा, नरसिंह राव की सरकार को बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से शिबू सोरेन को कुछ पैसे दिए गए थे, उस पैसे से उन्होंने सदन में वोटिंग की थी और वो वोटिंग नरसिंह राव को बचा ले गई थी। वो बात बाद में जब 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 सरकार बैठी, बात की सरकार बैठी, बात की सरकार से मतलब 2004 की सरकार की बात मैं कर रहा हूँ, तो चूंकि नरसिंह राव को निपटाना था इसलिए वो बात तूल पकड़ाई गई, तूल पकड़ाकर उस पर जस्टिस पसायत की अध्यक्षता में एक न्यायालय बनाया गया था, उसमें आपको याद होगा इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था, लखूभाई पाठक केस बनाया गया था, ब्राइबरी केस बनाया गया था। अब वो उस तरह का ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में इस समय चैलेंज है। चैलेंज ये है कि जो पैसा ब्राइबरी में लिया गया था, देखिए अदर सदन में आपने वोट दिया कोई समस्या नहीं, लेकिन जो ब्राइबरी में पैसा लिया गया था, जिस पर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया था, सीबीआई की रिपोर्ट में ये पाया गया था कि किसी व्यक्ति ने, या पाया गया कि किसी व्यक्ति ने कोई पैसा लिया है, और किसी व्यक्ति ने कोई पैसा लिया है और उसके आधार पर वो सदन में वोट डाल रहा है, अपना मत रख रहा है, नोट के बदले वोट का वहाँ चल रहा है, या फिर मैं ये कहूँ कि पैसे लेकर प्रश्न पूछना। अब इसमें प्रश्न पूछना तो इम्यूनिटी में आता है, वोट डालना इम्यूनिटी में आता है, लेकिन जो ब्राइबरी ली गई है, जो पैसा लिया गया है, उस पैसे का क्या? तो इस मामले में, और अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने इस समय मैटर फंसा है, और वो ये है, पांच जजों की बेंच के सामने सवाल आया कि जो ब्राइबरी ली गई है क्या वो भी इम्यूनिटी में आती है, जो रिश्वत ली गई है, जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है, क्या वो भी इम्यूनिटी में आता है। बहुत सारे आर्गूमेंट हुए, नरसिंह राव का जजमेंट कोर्ट किया गया और कहा गया कि भाई सदन के अंदर जो होता है वो इम्यूनिटी में आता है। लेकिन आज मतलब अभी ऑनरेबल चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में पांच जजों की बेंच के सामने जब प्रश्न गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई पांच जजों की बेंच का पुराना जजमेंट है और उसमें एक एमिकस क्यूरी भी बिठाई गई थी। एमिकस क्यूरी, क्यूरे हम उसको कहते हैं कि कोर्ट की सहायता के लिए, कोर्ट की सहायता के लिए जो किया गया था, उन्होंने कहा कि साहब 3, 2+1 और 2+1 से डिफंक्ट जजमेंट हैं, दो अलग अलग बातें हैं, इसलिए 2+1 से है तो इसलिए हमारे पास कोई निश्चित जजमेंट इस विषय में नहीं है, या फिर कोई एक साइड का जजमेंट नहीं है, ये जो जजमेंट हैं ये डिफंक्टेड जजमेंट हैं, दोनों अपने अपने आप में अलग अलग बातें कर रहे हैं। इस बात को लेकर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने यहाँ पर बात कही, उन्होंने कहा कि सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो मॉरलिटी का विषय है, जो मॉरलिटी है, जो पब्लिक परसेप्शन को बिगाड़ता है, जो पब्लिक में गलत मैसेज देता है, जो पब्लिक को, आपका पब्लिक को हमारी डेमोक्रेसी के विषय में गलत मैसेज देता है, क्या उस विषय पर दोबारा जजमेंट होना चाहिए? क्या वैसा विषय जा सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को कहीं डिफंक्ट कर रहा हो, हमारी मॉरलिटी को कहीं पर भंग कर रहा हो, हमारी पॉलिटिकल मॉरलिटी को कहीं भंग कर रहा हो कि पैसे लेकर सदन के अंदर की कार्रवाइयों में लोग भाग लेते हैं, पैसे लेकर वहां निर्णय लेते हैं, पैसे लेकर वोटिंग डालते हैं, पैसे लेकर समर्थन और विरोध करते हैं, क्या ऐसे विषयों पर
दोबारा सुनवाई नहीं होनी चाहिए, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक है। मैं मानता हूँ ऑनरेबल कोर्ट का ऐसा व्यू रहा कि वो मानते हैं कि भाई ठीक है, पांच जजों की बेंच का जजमेंट आ चुका है, पांच जजों की बेंच उस पर कह चुकी है, तो क्या इस विषय पर आप पब्लिक मॉरलिटी या पॉलिटिकल मॉरलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, ये सब विषय क्या जनता के हित के हैं, या क्या ये ट्रू लेजिस्लेशन को दर्शाते हैं, क्या ट्रू डेमोक्रेसी को दर्शाते हैं, क्या वाकई में इन विषयों पर सही से काम हो पा रहा है, ये बहुत सारे विषय ऑनरेबल कोर्ट के सामने गए। तो आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उस विषय को ध्यान में रखते हुए मैटर को सात जजों की बेंच में भेज दिया है, क्योंकि पहला पिछला वाला जजमेंट पांच जजों की बेंच का है, जिसमें दो अलग अलग व्यू हैं, पांच जजों में दो प्लस दो, दो अलग बोल रहे हैं, दो अलग बोल रहे हैं, और एक एक दोनों की तरफ बोल रहा है, तो दो प्लस एक का उस जजमेंट में हवाला दिया गया है ब्राइबरी को लेकर। इसलिए ब्राइबरी वाले मैटर में क्या बिल्कुल साफ स्थिति आनी चाहिए, ब्राइबरी के मैटर में साफ स्थिति को लाने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने सात जजों की बेंच में भेजकर यह तय करना सुनिश्चित किया है कि इस विषय पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट आना चाहिए, सात जजों की बेंच का जजमेंट आना चाहिए। क्या मोरल डेमोक्रेसी यहां पर भंग नहीं हो रही, क्या यहां पर पब्लिक डेमोक्रेसी या पब्लिक मॉरलिटी भंग नहीं हो रही, इस विषय को लेकर सात जजों की बेंच को फॉरवर्ड कर दिया गया। Now we are discussing here the matter that was hearing by the five judges bench, and it was in bribery matter. Because there is an immunity to the houses, that whatever will be discussed in the house, whatever will be happened in the house before the judgment of the speaker or before the judgment of the chairman, no proceeding can be challenged in the court. So now the matter is, if any person is taking the bribery, and after taking bribery he is casting the vote or he is asking the question by in exchange of the money, then this matter is correlated to the immunity plus the bribery. Bribery means the criminal activity. So whether we can file a case and we can start the proceeding for the bribery, if the voting is immune, if the matter is immune, if the proceeding is immune, but there is no immunity in case of bribery. It's a criminal activity. So the members of the parliament, members of the legislative assembly can do so. They having a power or they having an immunity. It was heard by Honorable Chief Justice right now. Five judges bench heard hearing. Amicus Curie submitted the report that in previous Narasingh Rao judgment, there was a defuncted clarity, it was not a clear view that for the bribery there must be a criminal proceeding or not. So after hearing this view, Honorable Court here, Honorable Chief Justice here said, or he asked that if this matter is immune, we can understand that it is immune, but if it is given a message to the to Indian democracy, it is given a message that it's a breach of the morality of country, it's a breach of a political morality of the country, it's a breach of the parliamentary morality of the country, then it cannot be punished. So because there was the previous judgment of the five judges bench, that is why Honorable Chief Justice transferred the matter for the eight judges bench, book for the seven judges bench, and now the seven judges bench will hear whether the immunity amid of a criminal activity. So whatever you are doing in the parliament, whatever you are making in the parliament, whatever vote you are casting in the parliament is no matter to be heard by the court. But if you are taking the bribery, then that bribery matter, if a CBI is submitting the report that there was the bribery, so now it's a immune, or there must be a criminal proceeding outside of the parliament. So the matter will be heard by the seven judges bench. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।